मुझे इस चीज में आप लोगों की हेल्प की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इस चीज में ना दोस्तों मैं खुद कुछ नहीं कर सकता। आज तक ना दोस्तों मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा है। ये भाई देखो यहाँ करीना भी आ चुकी है घर, तो कुछ दिन में इनकी शादी है। और ये बात अगर मैं आप लोगों से आज नहीं करता तो कुछ दिन बाद आपको खुद ही पता चल जाता। आज हमारे ताई जी ने दादाजी के लिए भी श्राद्ध रख दिया है, तो आज दादाजी का भी श्राद्ध था और आज 13वां श्राद्ध है। और इस चीज में ना दोस्तों मैं खुद कुछ कर भी नहीं सकता, इस चीज में दोस्तों सपोर्ट आप लोग ही कर सकते हो। मैं और आज पापा जी की हालत बिल्कुल खराब हो गई, आज के बाद नहीं बैठेंगे मेरे साथ गाड़ी में कभी भी। आपकी ना इस टाइम पे दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा नीड है। तो हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे एक और नई वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो आज की वीडियो में ना दोस्तों इसी एनर्जी के साथ शुरू हो रही है, जिस एनर्जी के साथ हमेशा शुरू होती है। पर दोस्तों मैं 2-4 दिन से इतना ज्यादा परेशान हूँ कि क्या ही बताऊं। और इस चीज में दोस्तों आप लोग ही मेरी हेल्प कर सकते हो, मैं खुद इस चीज में कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए ना दोस्तों मुझे इस चीज में आप लोगों की हेल्प की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इस चीज में ना दोस्तों मैं खुद कुछ नहीं कर सकता। और आज तक ना दोस्तों मैंने आप लोगों से कुछ नहीं मांगा है, क्योंकि आपने ना बिना मांगे इतना प्यार दिया है, सपोर्ट दिया है। और आज फिर से ना दोस्तों आपकी हेल्प की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। उसी के चक्कर में दोस्तों मैंने कल एक कम्युनिटी पोस्ट भी डाली थी कि मेरा यूट्यूब जो चैनल है ना दोस्तों उस पर बहुत ज्यादा गड़बड़ चल रही है आजकल। मेरे जो व्यू है वो पूरे के पूरे डाउन हो चुके हैं। जो मेरा इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट होता है, जो भी हमारे यूट्यूबर भाई लोग होंगे इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उनको ये चीजें पता होंगी। दोस्तों जैसा कि आपको पता है मेरे चैनल पे ना हमेशा 1000 व्यू तो आते ही आते थे, 1000-2000 व्यू के करीबन आ ही जाते थे पर वीडियो पे, मतलब डेली की 1000 व्यू तो आते ही आते थे। बट आजकल ना दोस्तों ऐसा सीन हो रखा है कि मेरा अकाउंट कुछ इस तरीके से फ्रीज हो चुका है कि मेरी वीडियो ना नए लोगों तक दोस्तों पहुंच ही नहीं पा रही है। तो इसके चक्कर में दोस्तों व्यू पूरे के पूरे डाउन हो चुके हैं। और ये बात अगर मैं आप लोगों से आज नहीं करता तो कुछ दिन बाद आपको खुद ही पता चल जाता कि इसके अकाउंट के व्यू कितने डाउन कैसे हो गए। तो यही चीज आजकल ना दोस्तों मुझे फेस करनी पड़ रही है। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, मेरे को कुछ नहीं पता। और इस चीज में ना दोस्तों मैं खुद कुछ कर भी नहीं सकता, इस चीज में दोस्तों सपोर्ट आप लोग ही कर सकते हो। आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों वीडियो पे कमेंट करो और वीडियो को पूरा का पूरा वॉच करो। तब जाके दोस्तों यूट्यूब को एल्गोरिथम को जब ये लगेगा कि ये वीडियो इंटरेस्टिंग है तभी जाके वीडियो को वो आगे लोगों तक भेजेगा। तो इस चक्कर में शायद मेरा अकाउंट ठीक हो पाए। तो आप लोगों के ना दोस्तों इस चीज़ में मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की जरूरत है। आप लोग जितना शेयर करोगे, जितना कमेंट करोगे और जितना वीडियो को इधर उधर शेयर करोगे तो नए लोगों तक पहुँचेगी, तो तब जाके शायद अकाउंट ठीक हो पाए। क्योंकि इसके अलावा मैं दोस्तों इस चीज़ में कुछ कर ही नहीं सकता। मैं सिर्फ एक ही चीज़ कर सकता हूँ कि वीडियो रेगुलर अपलोड कर सकता हूँ, बाकी मैं और कुछ नहीं कर सकता। जो कर सकते हो आप लोग ही कर सकते हो, क्योंकि आप लोग ही हो भाई बनाने वाले भी और गिनाने वाले भी। तो आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ। जितने भी आपके रिश्तेदार होंगे, दोस्त होंगे, सबके साथ वीडियो को शेयर करो और उनको बोलो कि वीडियो को देखें। क्योंकि अभी ना दोस्तों अगर अभी आप लोगों ने सपोर्ट किया तो चैनल फिर से दोबारा उस तरह से ठीक हो जाएगा और फिर चैनल तभी जाके ग्रो होगा, नहीं तो फिर चैनल डेड हो जाएगा। आपकी ना इस टाइम पे दोस्तों बहुत ज़्यादा जरूरत है, बहुत ज़्यादा नीड है। प्लीज़ यार दोस्तों, क्योंकि चैनल को जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना चैनल आगे लोगों तक पहुँचेगा और उसी के बाद ये प्रॉब्लम शायद सोल्व हो पाएगी। मैं 2-4 दिन से ना दोस्तों इतना ज़्यादा डिमोटिवेट हो चुका हूँ कि क्या ही बोलते हैं। जब किसी मेरे हाथ में दोस्तों इस चीज़ में कुछ भी नहीं है, अगर मेरे कंटेंट में कमी होती या मेरे उसमें कमी होती तो चलो मैं उसको इम्प्रूव करूंगा। उसके लिए भी मेरे को कमेंट करते हैं आप लोग। हर कंटेंट में कमी रहती तो मैं उसके लिए इम्प्रूव करता और अच्छी क्वालिटी में बनाता या अपने कंटेंट को और सुधारता। बट इस चीज़ में मैं खुद कुछ नहीं कर सकता, आप लोग ही कुछ कर सकते हो। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। कोई बात नहीं दोस्तों, हिम्मत नहीं आनी है, काम करते रहेंगे और उसका फल भी जरूर मिलेगा। तो चलो यहाँ से ब्लॉग आगे के लिए कंटिन्यू करते हैं। बाकी दोस्तों अपना सपोर्ट देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और वीडियो को पूरी देखना और प्यार देना, सबके साथ शेयर करना। तो आजकल ना दोस्तों बिल्कुल पितृ श्राद्ध चल रहे हैं, तो आजकल सारे लोग देखो श्राद्ध देने पे लगे हुए हैं। कुछ दिन में हम भी देंगे अपनी दादी के लिए। बाकी आज हमारे गांव में एक दादी थी, उनका भी श्राद्ध है और वो भी आज पूरा गांव खिलाएंगे। तो आज उनका तो आज का खाना भी दोस्तों नीचे ही होगा हमारे पंचायत भवन में। बाकी हमारी ताई है एक, वो भी किसी दादाजी के लिए रख रही है, मतलब अपने दादाजी के लिए रख रही है। तो भाई आजकल बिल्कुल यही सीन है हमारे गांव में। तो चलिए भाई दोस्तों पहुंच चुके हैं ठीक अपने ताई जी के घर पे। और आज भी देखो ताई जी ने अपना वही चीज़ पहन रखी है। तो पिछले वीडियो में कमेंट आया था कि आपकी ताई जी ने आज के टाइम पे भी ये चीज़ पहन रखी है, तो अपने पुरानी संस्कृति, अपने पुराने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा वह कमेंट पढ़ के भी और अपनी ताई जी को देख के भी। आज हमारे ताई जी ने दादाजी के लिए भी श्राद्ध रख दिया है, तो आज दादाजी का भी श्राद्ध था और आज 13वां श्राद्ध है। हमें दे दिया देखो भाई खीर पकौड़ी और
इतनी बड़ी घी। ताई जी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम इसको लेके चलेंगे घर पे और घर पे खाएंगे मस्त। चलिए भाई देखो यहाँ करीना भी आ चुकी है घर, तो कुछ दिन में इनकी शादी है और अभी से घर आ गई। तो काली होने आ गए तुम हैं? आराम से आती थोड़े कुछ दिन बाद। तो कल गोरी तो हो गई करीना, बहुत गोरी हो गई भाई। पकड़ो सामान, पकड़ो फटाफट। सोमी भाई और अमन भाई सबसे लंबे लंबे, ये 6 फुट और 7 फुट, चलो फटाफट। सबसे सबसे देखो आज सबसे लंबे लंबे इंसान भी आपको देखने को मिलेंगे यहाँ। ये देखो, तो आजकल भाई दिल्ली में भयंकर वायरल चल रहा है, यानी डेंगू वगैरह चल रहा है, तो करीना डर के मारे घर आ गई। बोल मेरा ब्योह भी है, मेरी शादी भी है, तो टाइम से घर चली जाती हूँ, घर पे स्वस्थ मस्त तो रहूँगी। हाँ वही है, हमारे पहाड़ की हवा स्वस्थ मस्त है भाई। तो चलो भाई सारे लोड हो चुके हैं और निकलते हैं अब सामान लेके घरों की ओर। आजकल गाँव में ना बड़ा बिजी सा शेड्यूल हो रखा है, काम काम काम, कभी कुछ कभी कुछ। ताई जी तो ले आई अपने लिए आटा, वाह नाइस। तो चलो भाई अभी मेरी तैयारी भी हो गई है सतुखाल जाने की, तो पापा जी आ रहे हैं, पापा जी के पास सामान है। तो आज पापा जी को सामान लेने गए थे, यानी घर का ही राशन पानी वगैरह, तेल वगैरह या बहुत सारा सामान था, क्योंकि दादी को भी शराब देना है, तो उसी के लिए तो अभी वहीं जा रहा हूँ, क्योंकि उनके पास ज़्यादा सामान हो गया, अकेला वो ले नहीं पाएंगे, तो अदर जा रहा हूँ। मतलब हमारे यहाँ बोलते ना अदर जाना, तो अदर जा रहा हूँ। तो आज की सवारी दोस्तों हमारी ये एक्टिवा और चाचा जी की है, जो मेरे साथ परसों आए थे, तो उनसे मैंने चाबी मांगी, मैंने कहा थोड़ा काम है, चाचा जी ने दी, तो धन्यवाद चाचा जी अगर आप वीडियो देख रहे हो। तो चलो निकलते हैं आज एक्टिवा को लेके। बताओ भाई इस रोड पर इतनी उछल रही है स्कूटी की, क्या ही बताऊँ, बड़े बुरे हाल है रे इस रोड के। एक बंदा अगर पीछे बैठा होता है ना तो ठीक रहता है, इतनी नहीं उछलती गाड़ी, पर भाई अकेले में ऐसी उछल रही है ना गाड़ी, क्या ही बताऊँ भाई, बड़ी गंदी रोड है भाई। तो चलो भाई पहुँच गए ठीक सतुखाल मार्केट में, और ये अपना प्यारा सा सतुखाल मार्केट, और यहाँ है अपने पापा जी। तो चलो चलो जल्दी चलो। स्कूटी में तो बड़ी हालत ख़राब हो रही थी भाई आने में, बाकी ये अपना पूरा सतुखाल मार्केट, यहाँ से कुछ इतना और इधर के लिए कुछ इतना, तो इतना सही है बस अपना सतुखाल मार्केट। इसका नाम सतुखाल इसलिए रखा क्योंकि यहाँ पहले सैत रहते थे, यानी भूत रहते थे, तो भूतों के नाम पे यहाँ का नाम रखा गया सतुखाल। तो बहुत भयंकर भूत रहते थे बोले यहाँ कभी किसी टाइम पे। इधर से दोस्तों आपको भरोली गांव देखने को मिलेगा, यहाँ पे है भरोली गांव, और इधर अपनी प्यारी सी स्कूल भरोली खाल की स्कूल, इधर अपना केंद्र बैंक वगैरह। तो ये कुछ यहाँ से व्यू देखने को मिलता है, पूरी वैली यहाँ से ये वाली, तो ये यहाँ से कुछ व्यू देखने को मिलता है भाई। दोस्तों अभी पहुँच चुके हैं ठीक अपने गाँव में, और आज पापा जी की हालत बिल्कुल ख़राब हो गई, आज के बाद नहीं बैठेंगे मेरे साथ गाड़ी में कभी भी। चलो चल के हालत ख़राब हो गई उनकी, बल तू मेरे को कहाँ कहाँ ले आया, बल कांटों में कुमर लग गया बल इतने सारे, तो क्या करें भाई, रोड ही ऐसी है, स्कूटी बहुत ज़्यादा उछल रही थी, तो क्या कर सकते हैं क्या कर सकते हैं। तो चलो भाई हालत तो ख़राब हुई हुई, पटापोर होगी इस काउंटर को ले जाने में, तो चलो निकलते हैं, क्या करें अपनी पहाड़ी जीवन यही है भाई। अभी घर आए और अब चले गए नीचे खाने के लिए, तो आज सारे लोगों का ना नीचे ही खाना है, सारे लौंडे चले गए देखो, और हमारी भाभी जी भी लेके आ गई ऊपर खाना, तो चलो बढ़िया है। यहाँ देखिए भाई हमारी ताई जी फुल सरात का मजा, यो पप्पा क्या गप्पा था ये, वाह वाह पूरी खा रही है, वाह ताई जी के मस्त मस्त गप्पे। और इधर भी लिए जा रहे हैं देखो सरात के फुल मजे, ये देखो यहाँ से कितने बड़े बड़े गोटे लग रहे हैं, तो बॉडी के तो छोटे छोटे गोटे हैं, कैमरा देख के छोटे छोटे हो गए, वैसे तो बड़े बड़े मार रहे थे, हाथ से ही पता चल रहा है। देखिए भाई कुछ ऐसे ऐसे प्राणी भी हमारे गांव में हैं, खाना खाते टाइम भी इन्होंने अपना मुंह छुपा रखा है और ऐसे करके ये खाना खा रहे हैं, तो कुछ ऐसे ऐसे प्राणी भी हैं हमारे गांव में। चाचा जी बेचारे देख रहे हैं बस सबको, और इनको खाने ही नहीं दे रहा कोई, ये देखो ऐसे सार लगे, पकौड़ी मिल गई, चलो कुछ तो मिला चाचा जी को, कुछ तो मिल गया चलो। तो चलिए भाई अपना स्वादिष्ट भोजन आ चुका है, तो अपने स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेते हैं। और इधर से देखो भाई हमारे सबसे हैवी चाचा खा रहे हैं, और इधर से हमारे स्वामी भाई, इधर से हमारे अरुण भाई, इधर से सारे लोग देखो अब आना शुरू हो चुके हैं, तो काफ़ी सारे लोग यहाँ आ गए आप खाने के लिए, और काफ़ी सारे लोग घरों के लिए ले गए। तो चलिए दोस्तों अभी ठीक 5:30 का टाइम हो चुका है, और यहाँ देखिए भाई राशन भी आ गई थोड़ी बहुत हमारे गाँव वालों के लिए। बाकी चलिए फिर दोस्तों इस ब्लॉग को कर देते हैं यहीं पे समाप्त। बाकी दोस्तों आप इस वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो,
और अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, सबके साथ इस वीडियो को शेयर करो। व्हाट्सअप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ हो सके वहाँ शेयर करो। दोस्तों को बोलो यार प्लीज़ सपोर्ट करें। चैनल जब तक ठीक नहीं होगा तब तक भाई कुछ भी नहीं हो सकता। अगर चैनल एक बार ठीक हो गया उसके बाद ही दोस्तों चैनल ग्रो हो पाएगा। तो चलिए फिर करते हैं इस ब्लॉग को यहीं समाप्त। बाकी आप ना इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट और मज़ेदार से वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ मस्त खाते पीते रहो, ऐसी प्यार बरसाते रहो। बाय बाय एंड टेक केयर गाइज़।